नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के भांडू पश्चिम में कांग्रेसियों ने बड़े पैमाने पर हल्ला बोल शुरू कर दिया है। मामला है पेट्रोल की और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर। LBS रोड है, पुलिस की सुरक्षा, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था जो पुलिस ने की है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी अपने कैमरे में यहाँ के मंजर को करीब से कैद करने की कोशिश करें और उन तमाम दर्शकों को ये बताने का प्रयास करें कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और इसी को लेकर अब वो सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं, हमारे पास सैकड़ों की संख्या है और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बार बार प्रगति की बात करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है और इसी को लेकर यहाँ पर ये मोर्चा निकाल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं ये जो आपने प्रोटेस्ट किया है नायाब तरीके से, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं, आज 15 दिन के अंदर, एक महीना के अंदर 15 रुपया ये सर्वसाधारण रिक्शा वाला टेम्पो वाला ऐसा एकदम रोज काम करके जिसका टेम्पो चलाता होगा उसको भाड़ा देकर उनका बचेला पैसा उनको गुत जाकर घर चलाने वाला को कितना तकलीफ होगा। ये संदेश पूरा हिंदुस्तान में, आज खाली बम्बई में हम लोग सोनापुर में बांडूप में करते हैं ऐसा नहीं है। एक बात समझाने की कोशिश कीजिए, जब कांग्रेस की सत्ता केंद्र में काबिज थी उस समय राज्य में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लगातार पेट्रोल और डीजल में भारी इजाफा देखने को मिल रहा था। इसी भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल जो है उसकी कीमतें गिर रही हैं, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। मनमोहन साहब को मौनी बाबा तक कह दिया गया, क्या कहेंगे? आज कितना 40% क्रूड ऑयल गिरा है, गिरने के बाद भी मोदी ने खुद मुंगी बाबा बन गया है। वो सरदार मनमोहन सिंह को जो कहता ये डबल बन गया है। वही टाइम तो बोलने के बाद कुछ ना कुछ सुविधा बार बार करता थे, आज कम से कम 40% खत्म होने के बाद, क्रूड ऑयल मिलने के बाद कम से कम पेट्रोल डीजल भाव फटाफट उतरना चाहिए था, वो बिल्कुल उतरने के नहीं, ये व्यापारी के साथ सेटलमेंट किया है, व्यापारी लोगों के साथ तो ये किया है। व्यापारियों के साथ सेटलमेंट का आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी और अब कमर कस चुकी है। साल 2019 अपनी शीर्ष पर, तमाम चुनावी तैयारियां, कांग्रेस ने अब भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में नहीं बख्शने का मन बना लिया है। हमारे साथ यहां पर बड़े पैमाने पर लोग हैं। सर कुपरकर साहब, एक बात बताइए, मेट्रो के बारे में अभी कुछ कह रहे थे आप, थोड़ा सा क्लियर कीजिए इसका। मेट्रो के बारे में, बुलेट ट्रेन के बाद में ये कहूँगा, जिस शेतकरी के माध्यम से जो आप जगह ले रहे, जो आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहे हैं, उनका पैसा पहला देने के लिए आपने जो ऐलान किया उसका पहला 7 बारा कोरा करने का पहला प्रयास करो, बाद में बुलेट ट्रेन लाने का प्रयास करो। जब तक वो पैसा माफ नहीं होता है, जब तक जिसका जगह ले रहा है उसका जगह का पैसा जब तक देता नहीं तब तक बुलेट ट्रेन का सोचो भी मत, ये मेरी कहना है। कुपरकर साहब एक चीज और बता दीजिए, इसे चिलचिलाती और तपती धूप में आप तमाम लोग सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतें यदि कम नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होगा? फिलहाल स्टैंड यही होगा, पेट्रोल डीजल का रेट नहीं, जो आज बैलगाड़ी दिख रहे हर रास्ते पे, हर गली में आपको बैलगाड़ी ही दिखाने को मिलेगा, दिखता ही मिलेगा, उसी बैलगाड़ी से लोग जाएंगे आएंगे ये दिखेंगे। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक तरफ ये क्या कहा जा रहा है कि विकास की राह को प्रशस्त करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो टैक्स बढ़ा है उसका पैसा देश हित में इस्तेमाल किया जाएगा, सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें फैल रही है, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट का, कांग्रेस का राज था, उस टाइम भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो विकास का काम कर रहे थे लोगों के खिसे में से पैसा नहीं निकलता था, ये तो लोगों के खिसे में से डायरेक्ट 110%, 100%, 120% टैक्स निकाल रहे, तो इसलिए GST हटाने की मैं मांग करता हूँ, GST हट जाएगा, बाकी GST का नारा लग रहा है तो ये GST अगर हट जाएगा तो ये पेट्रोल 40-30 रुपए के घर में लोगों को, फिर हाथ गाड़ी या बैलगाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी मांग है।
मांग लेकर तमाम लोग निकल पड़े हैं और यहां पर देख सकते हैं एक बार फिर वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी 360 एंगल पर इस कैमरे को घुमाएं और उन तमाम लोगों को बताएं जिनके जहन में ये सवाल उठ रहा है कि अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें, अब इस पर राजनीति, इस पर सियासत हो रही है, लेकिन हर व्यक्ति की ये जरूरत है। ये भी कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो कम हो रही है और ऐसे में यहाँ पर लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रहा इजाफा, महंगाई सुरसा की तरह मुंबई खड़ी है, बेरोजगारी अपनी चरम पर है, भ्रष्टाचार अंदर तक दीमक की तरह घुसा है जिसे बाहर निकालना वक्त की जरूरत है। बतौर 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 युवा क्या सोचते हो आप? क्या सोचते हैं बतौर युवा? आप इस मोर्चे में आप आए हैं, पेट्रोल का भाव कम होना चाहिए, डीजल का भाव कम होना चाहिए, भाव कम होना चाहिए। हम चाहते हैं शांति से आप अपनी बातों को रखें। बोलिए, आज हमारा ये कहना है जो मार हमको पेट्रोल और डीजल की पड़ रही है वो इस सरकार की वजह से पड़ रही है। इस सरकार को हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए। आज हम लोगों की क्या हालत है? एक गरीब आदमी 100 रुपये का पेट्रोल अगर दिन भर में डालेगा और अपनी नौकरी पे जाएगा और जाएगा तो उसके बच्चों को पालन पोषण किस तरीके से करेगा? इस बारे में सोचना सरकार का फर्ज है। हम गरीबों के बारे में सोचना सरकार का फर्ज है, उस बारे में सरकार नहीं सोच रही हमारे लिए। कांग्रेस पार्टी का जब राज था उस समय भी स्थिति यही थी। कांग्रेस पार्टी का जब राज था उस समय जो बैरर आता था उसकी कीमत कम थी, आज उसकी कीमत ज्यादा थी, आज कीमत इसकी कम है, फिर उसका रेट कम क्यों नहीं हो रहा है? उसका रेट कम क्यों? ये बताइए, साल 2019 की कांग्रेस की ये तैयारी तो नहीं? साल 2019 की तैयारी ये होना आगे बाकी है। ये तो हम गरीबों के लिए कांग्रेस ने निकाला है क्योंकि कांग्रेस गरीबों के साथ है, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। बतौर युवा क्या सोचते हैं आप? पीछे से कहने में मजा नहीं है, सामने से कहें। सामने देगा जो तैयारी नेता करेगा ना, बाकी गरीब तो लड़ेगा जाके और क्या करेगा। बतौर युवा क्या सोचते हैं आप? क्या जो कुछ हो रहा है वो सही है? क्या सही है? सही क्या आप बताइए ना, सही आप बताइए क्या सही हो रहा है? आप बोले, हम आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। आप तो बताइए, हम आपकी सोच देखते ना क्या है। महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम चीजें जो है वो प्रमुख मुद्दा है। हर व्यक्ति की जरूरत है, हर व्यक्ति की जरूरत है कि चीजें सस्ती हो। आज का भाई किसी कार है, सबके पास गाड़ी है। आज आदमी 100 रुपए का पहले तेल में काम कर लेता, 30-30 रुपए तेल लग रहा है, क्या बचाएगा आदमी? मैं यही कहना चाहूंगा, मोदी ने बोला था कि महंगाई अब और नहीं, लेकिन जब से मोदी आया तो महंगाई का ही दौर है। और 2019 की आप बात कर रहे हैं, 2019 में तो पब्लिक अपने आप मोदी को साइड करेगी। ये कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया है कि आपकी अपनी? ये पूरी जनता की प्रतिक्रिया है। ये जो तबाही फैलाई, महंगाई फैलाई है भाजपा ने, इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। आपसे जनाब जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रऊफ खान है। रऊफ साहब, ये मोर्चा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये जो है सोनापुर से निकला है, 108 तक जाएगा। आप लोग पेट्रोल की कीमतों को लेकर जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं, क्या आपको लगता है कि इस विरोध प्रदर्शन से पेट्रोल हो, डीजल हो, इन तमाम जो कीमतें हैं वो कम होंगी? ये सरकार 3 साल से आई है, इसने भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी का नारा देकर आम आदमी से वोट हासिल करने के बाद कुछ नहीं किया। ये सरकार कुछ नहीं करने वाली है, ये सरकार अपनी खाली जेब भर रही है। आज से जब इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, डीजल पेट्रोल के भाव आधी कीमत में से 52-54 रुपये बैरल के हिसाब से बिक रहे थे। आज तभी डीजल पेट्रोल का भाव इतना नहीं था। आज जब के सस्ता है, आधी कीमत में 52-54 बैरल के भाव से भी 80 के ऊपर भाव चला गया। तो खाली इनकी मंशा अपनी जेब भरना है। किनको? इनको मालूम है कि अगले 5 साल में ये आने वाली नहीं है। जितना हमको आम पब्लिक से लूटा जाए लूट सकते हैं। खाली इनके राज में ना माँ बहन सुरक्षित है, ना कोई सुरक्षित है। खाली इनके नेता और इनके गुंडा राज वाले जो पार्टी के लोग हैं यही सुखी चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सड़कों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑटो रिक्शा और ऑटो रिक्शे पर पंजा लगा हुआ वो झंडा जो इस बात का प्रतीक है कि अब कांग्रेस पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी सड़कों पर उतरे हैं इन मांगों को लेकर कि लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें अब बर्दाश्त नहीं होगी। और इन्होंने जो आरोप लगाया है, इनका ये कहना है कि क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसकी जो कीमतें गिरी हैं उसके हिसाब से, उसके मुताबिक पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। और अब पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने इन तमाम लोगों की नाकों में दम कर रखा है।
सड़कों पर उतरे इन तमाम कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने के लिए मुंबई पुलिस के तमाम अधिकारी पुलिस सिपाही यहां पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि फिर एक पेट्रोल पंप पर ये लोग आए हुए हैं और इनका निषेध 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 अंतर्राष्ट्रीय बाजारा मध्य पेट्रोल जन्य पदार्थावली जिस तरीके से लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो कम हो रही हैं, लेकिन सरकार जो है उसकी मंशा पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये ठीक पीछे देख सकते हैं बैरियर लगा हुआ है, कायदा व सुव्यवस्था बरकरार रहे, मुंबई पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं हर पेट्रोल पंप पर, मुलुंड से लेकर LBS मार्ग पर कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी ज्ञापन लेकर उन तमाम पेट्रोल पंप मालिकों को वो ज्ञापन सौंप रहे हैं। और उनका ये कहना है कि आप यदि कीमतें कम नहीं करते तो स्थिति विकट होगा, सड़कों पर कांग्रेस धरना करेगी, प्रदर्शन करेगी और जो भी स्थितियां परिस्थितियां बनेगी इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सहयोगी दलों की होगी। यानी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, शिवसेना पार्टी दूसरी तरफ, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष संजय निरुपम अपने तमाम जिलाध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, इन तमाम लोगों को लेकर सड़कों पर मार्च कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग मांगों को लेकर। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमित साटम ने पुलिस के सामने फेरी वाले की पिटाई की, मुद्दा गरमाया, कांग्रेस पार्टी ने हाथों हाथ इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया। आज पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर ये सड़क पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को स्थिति को कंट्रोल कर पाने में नाको चने चबाने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कायदा सुव्यवस्था बरकरार रहे ये पुलिस की जिम्मेदारी है। बाज़ाब्ता अभी तक ये जो मोर्चा चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, सड़कों पर उतरते हुए चल रहा है। आपका नाम जानना चाहेंगे। लालू भाई ये बताइए, ये जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? नरेंद्र मोदी सर। क्यों, आप कांग्रेस पार्टी के हैं इसलिए? हम कांग्रेस पार्टी के हैं इसलिए, लेकिन अभी फिलहाल तो नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार हैं। नरेंद्र मोदी को ही सिर्फ चारों तरफ से क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने ये सब गड़बड़ कर रहा है, उन्होंने ही गड़बड़ किया है, नोट बंद करके लफड़ा किया, GST लगा दिया, पूरा प्रॉब्लम करके खड़ा कर दिया, उन्होंने सारी समस्या खड़ा कर दी है। उन्होंने इलेक्शन जीतने के पहले बोले थे 100 दिन में महंगाई कम करूंगा, 100 दिन पूरे हो गए, 3 साल हो गए, उल्टी महंगाई बढ़ गई, महंगाई कम नहीं हुई। और आज जिस पब्लिक जिस रास्ते से जा रही है, पब्लिक के पास आज खाने को मोहताज है और किसान लोग आज जब खेती में काम आपको रोकेंगे। 15 लाख कहाँ गए, मोदी जी खा गए। ATM के माध्यम से जो 150 रुपया वसूला जा रहा है, ATM के माध्यम से और ट्रांजेक्शन बैंक ट्रांजेक्शन के वजह से वसूला जा रहा है, रोज का डीजल पे पेट्रोल पे रोज की कीमतें बढ़ाई जा रही है, रोज का रोज कीमत बढ़ाई जा रही है, इसके लिए गरीब आदमी कहाँ जावे? ये जो मोदी जी अगर GST इस पे भी लगाए होते तो आज यही पेट्रोल और डीजल हमें 30 से 40। लगता कि कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दे को सही तरीके से रख नहीं पा रही है? कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन मोदी जी कुछ ज्यादा ही उसमें लगे हुए लीन हुए हुए हैं कि इसको रेट बढ़ाने में लगे हुए, किसी की सुन नहीं रहे। एक नरेंद्र मोदी बनाम तमाम राजनीतिक पार्टियां, कहीं ऐसा नहीं लगता आपको? वो तो बराबर है, लेकिन हम आप लोगों से विनती करते हैं कि आप हमारी बात को वहां तक पहुंचाए। हम पहुंचाएंगे और बिना कट किए पहुंचाएंगे, हमारा ये वादा है। इस कार्यक्रम में कोई एडिट नहीं होगा, इस कार्यक्रम को जिस तरीके से यहाँ कवर किया जा रहा है उसी अंदाज में दर्शकों तक ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को सुबह 6 बजे से अपना रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सिर्फ एंट्री दिया गया है मुंबई में, और दिन में एंट्री नहीं है तो दिन में ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ जाएगी नहीं, तो कहाँ जाएगी? दिन में अगर कोई सामान है, अनाज है, लेके जाना है तो लेके जाना है तो बैलगाड़ी में लेके जाना है, बड़ी गाड़ी को मुंबई के अंदर एंट्री नहीं है एज पर RTO का नॉर्म्स के हिसाब से। ये गाड़ी वाले लोगों पर अत्याचार है, जो कि गाड़ी हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट वाला ऐसा इंसान है जो कि अपना धंधा शुरू करने का पहला पैसा गवर्नमेंट को देता, वो भी 1 time tax, दूसरा कोई भी बिजनेस है वो बिजनेस करने के बाद में टैक्स भरते हैं,
मगर गाड़ी वाला सबसे पहला भरता है और उसके साथ में ही सबसे ज्यादा अत्याचार गवर्नमेंट कर रही है। बैलगाड़ी वाली बात जरा एक बार के स्टंट क्लियर कीजिए, आपने कहा बैलगाड़ी? अभी कैसा है, बॉम्बे के अंदर ट्रक्स वगैरह जाना तो बंद कर दिया है, तो माल खाने पीने का सामान लोगों को कैसा जाएगा? वो जाने के लिए खाली बैलगाड़ी का ही बॉम्बे के अंदर एंट्री है, जो पूर्वी से चालू था। तो उसी प्रकार से ये हमारा नवा सरकार आया है, ये नवा सरकार बोलता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान बैलगाड़ी के साथ में आगे बढ़ेगा, ये रास्ते पे लेके जा रहा। लेकिन बैलगाड़ी, अगर बैलगाड़ी भी दिख रही है तो फिर मोनो मेट्रो और बुलेट भी दिख रहा है। मोनो मेट्रो बुलेट दिख रहा है तो किसके लिए दिख रहा है? वो अमीर लोगों के लिए है। अगर आप जाओ ट्रेन में टिकट लेने के लिए, तो जो 5 रुपए देके पहले हम ट्रेन में सफर करते थे, आज 50 रुपए ले रहे हैं। वो कौन ले रहा है? धीरूभाई अंबानी ले रहे हैं, अदानी ले रहे हैं। लाइट का बिल के ऊपर GST जो बढ़ाया है, अभी वो 18% लगाया, किसके लिए लगाया? वो अदानी ने लगाया। प्लेटफॉर्म का टिकट आज 20 रुपया हो गया, 20 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट हो गया है। किसने करा है? किसके पास में जा रहा है ये पैसा? किसके पास से जा रहा है? ये कोई अदानी है या अंबानी आके उधर प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं लेता, ये गरीब जनता है जो प्लेटफॉर्म का टिकट लेती है। जाहिर सी बात है, देश की जो जनता है, इसमें एक बड़ा तबका है जो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करता है। सुबह का चूल्हा जला तो क्या शाम का चूल्हा जल पाएगा भी कि नहीं, ये एक सवाल उसके जहन में घूमता रहता है। घर से निकलता है 2 जून की रोटी कमाने के लिए, शाम को परिवार इंतजार करता है कि घर का मुखिया कुछ न कुछ घर जरूर लाएगा। लेकिन बढ़ती महंगाई को लेकर अब लोग जो है सर पटकने लगे हैं। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका बज रहा है, तो दूसरी तरफ आम मुंबई कर हो या आम भारतवासी त्राही माम कर रहा है। यदि इसमें सच्चाई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन लोग अपने जहन से जो बातें कर रहे हैं, अगर उसमें 20% भी सच्चाई है तो ये वास्तविकता मौजूदा स्थिति की है। मुंबई के ये तमाम मुंबईकर हैं जो कड़े संघर्ष और अथक प्रयास कर इस आर्थिक राजधानी मुंबई को एक नई दशा व दिशा देने के लिए तत्पर रहा करते हैं, और आज इन्हें अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, मोर्चेबंदी करनी पड़ रही है। आपका नाम? जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट कम हुआ था, तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं किस्मत वाला हूँ, तो बाकी लोगों को क्या तकलीफ है? आपको किस्मत वाला चाहिए या बदनसीब चाहिए? तो नरेंद्र मोदी की किस्मत खुल गई, लेकिन जनता की किस्मत खराब हो गई है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में जनता की किस्मत फूट रही है, और नरेंद्र मोदी हंस रहा है उसके ऊपर कि मैं नसीब वाला हूं बोल के। एक चीज और समझाइए भाऊ, एक तरफ विकास की बातें की जा रही हैं, बड़े पैमाने पर हर चीज को एकदम सही तरीके से केंद्र सरकार द्वारा जनता के सामने बताया जा रहा है कि हमने ये किया, हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब ने कहा कि अब तक कांग्रेस पार्टी BJP पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाई है। ये तो सब झूठ है। अभी आपने मुंडे मैडम के बारे में बोला, चिकी घोटाला हुआ, ऐसे बहुत सारे घोटाले, लेकिन ये लोग छुपा रहे, और जो कोई उनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर ये लोग अटैक करते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से जो कम्युनल इनकी एक्टिविटीज चालू है, और उस चीज को लोग देशभक्ति के नाम पे उसको छुपा रहे। और ये क्या कांग्रेस पार्टी अपने शासन काल में जितने भी काम की थी कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि हमने जो जो काम का आगाज किया था अब उसे भारतीय जनता पार्टी अंजाम दे रही है और अपना सर, अपना पीठ थपथपा रही है। आप लोग क्या अपने कामों को सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए लोगों के सामने? एक्चुअली कांग्रेस पार्टी कभी भी अपने कामों का डंका बजाते नहीं फिरती है। जितने भी काम हुए सब कांग्रेस पार्टी ने किए है। अभी जितने भी काम कांग्रेस पार्टी ने की है, तो साल 2014 में बड़े पैमाने पर एक छत्र राज कैसे भारतीय जनता पार्टी का काबिज हुआ केंद्र में? इन्होंने एक्चुअली अपने भारतीय लोगों को एक कम्युनल रिलीजियस मैटर में फंसा दिया है, तो उनकी सोच अभी रिलीजन के आगे जा नहीं रही है। सबको कोई एक उदाहरण दे दो। अभी उदाहरण तो आपको पता है कि इन्होंने गुजरात के ऊपर जो सत्ता गुजरात में जो किया, इनडायरेक्टली वो मैसेज पूरे दुनिया में यही फैलाना, पूरे हिंदुस्तान में फैलाना यही चाहते हैं कि हम लोग ने जो गुजरात में किया वो बाहर भी करेंगे, और यही वजह है उन्होंने रिलीजियसली लोगों को बेवकूफ़ बनाया और बेवकूफ़ बना रहे। तो हमारे साथ यहाँ पर चाचा, आप क्या सोचते हो, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के हो आप, बात अभी कम्युनल की आई, आप क्या सोचते हो नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज को लेकर? नहीं, हम तो अभी तक यही सोच रहे हैं कि जो हमारे ऊपर जो आज चल रहा है, एक रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जो चल रहा है, हम उसके खिलाफ़।
रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जो चल रहा है आप उसके खिलाफ है, क्या आप जानते हैं रोहिंग्या मुसलमानों की कहानी? जानते तो नहीं, जो मीडिया में दिखा रहे, पेपरों में दिखा रहे। रोहिंग्या मुसलमान भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, ये हलफनामा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी दिया हुआ है, क्या इसके बारे में जानकारी है आपको? रोहिंग्या सिर्फ मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी है, क्या जानते हैं? वो भी हिंदू भी है, उनके ऊपर भी जुल्म हो रहा है। तो मामले कई है और अब नरेंद्र मोदी सरकार को चारों तरफ से घेरने की जो कवायद है वो अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है और अब भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम आरोप जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर लगते जा रहे हैं। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जाएंगे तो इस मोर्चे के जो संचालक हैं उनके पास हम जाएंगे और उनसे करेंगे कुछ सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा हमारे साथ नहीं है। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। तुझे यहां से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है, मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दें मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा, तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से सब कुछ हुआ, तूने भेजा था ना उन गुंडों को। हमने ये बताने का प्रयास किया था कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से भांडू के एलबीएस मार्ग पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को लेकर हल्ला बोल किया, मोदी सरकार के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी की, कई आरोप लगाए, भ्रष्टाचार की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो और अब पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बड़ा एजेंडा। हमारे साथ कांग्रेस की नगर सेविका है, सबसे पहले आपका वार्ड जानेंगे मैडम। 110 वार्ड, 110 की आप कांग्रेस नगर सेविका है। आपसे एक सवाल ये मेरा बनता है, अपने वार्ड की जनता के बीच जाकर आपने अब तक किस तरह का ये अवेयरनेस उनके दिमाग में डाला? चूंकि हम जब यहाँ आए मैडम तो बुरा न मानिएगा, हमने कई ऑटो चालकों से पूछा, उनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि यहाँ पर मोर्चा हो रहा है। मोर्चा सही से बोल दिया था सबको, लेकिन ट्रैफिक नहीं होना चाहिए ज़्यादा, लोगों को तकलीफ भी नहीं होना चाहिए, इस तरफ से हम लोग ने सोच के मोर्चा थोड़ा संभाल के किया है, नहीं तो ट्रैफिक हो जाता तो सब तकलीफ में आ जाते। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इसे एक कूटनीति भी कही जा सकती है, क्योंकि अगले को अगर इस बात का अंदेशा हो गया कांग्रेस पार्टी करना क्या चाहती है तो इनके निर्धारित कार्यक्रम में भी कहीं ना कहीं से ग्रहण लग गया होता, लेकिन अब ये कामयाब हो गए हैं अपने मोर्चे में। आपसे जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जितने भी आरोप आप लोग लगा रहे हैं, एक आरोप ऐसा बताइए जिससे आम मुंबईकर जो है
कोई मोदी गुनगा रहा है, कोई मोदी का विरोध कर रहा है, कोई मोदी के विदेश यात्रा पर भी कटाक्ष कर रहा है। कांग्रेस पार्टी किस नज़रिए से देखती है? कांग्रेस पार्टी का तरफ से यही मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि आज तक मोदी सरकार ने आश्वासन दिया है, न्यूज के माध्यम से इतना पब्लिसिटी किया है कि लोगों को खाली मोदी दिखता है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो दिखता नहीं है, इसलिए ये सरकार निकम्मी है। कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने जिन जिन योजनाओं का शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया, अब भारतीय जनता पार्टी उन तमाम कामों का सवासकी ले रही, अपना पीठ थपथपा रही है। नहीं, ये सब काम है ना कांग्रेस का ही है सब, खाली मोदी सरकार जाके उद्घाटन करती है और दिखाती है कि ये काम हमने किया है, लेकिन सब लोगों को मालूम है कि कांग्रेस ने ये सब काम किया है। एक बात बताइए, बुलेट ट्रेन जो है वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से छूटेगी और 3 घंटे में अहमदाबाद पहुंचेगी, बीच में जो रास्ते हैं चाहे थाना हो, चाहे विरार हो, बोईसर हो, वापी हो, ये जो चीज़ें हैं ये तो लोगों की सुविधा के लिए किया जा रहा है ना, इस पर आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? सुविधा लोगों को पहला सब जो महंगाई है उसमें देना चाहिए, इतना भाव बढ़ गया है, डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ गया है। उनके कहने का मतलब ये है कि सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, सपना आप देखिए लेकिन पहले अपने घर की चीज़ को दुरुस्त कीजिए, जब घर की चीज़ें दुरुस्त हो जाएगी तो बाहर कीजिए अपने आप ही दुरुस्त होने लगेगी, यही कहना चाहते हैं। यही पहले लोगों का देखना चाहिए, बाद में सोचना आगे का। तमाम आपके पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, इनको आपने किस तरह का ये जो कार्यक्रम आपका निर्धारित था, अब अगला स्टैंड क्या है आप लोगों का? ये सरकार कैसा किस तरह क्या काम करती है, जीएसटी अगर कम करती है तो हम लोग खुश होंगे, पब्लिक खुश होगी, अगर नहीं करते तो ऐसे ही मोर्चा निकालेंगे हम। छोड़ेंगे नहीं आप? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे आप? नहीं 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 छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे ना। हम तुम्हारे कुल मिलाकर कुकरनर साहब, चलते चलते आप कुछ प्रकाश डाल दीजिए, आपकी बाइट तो हमने कर ली है लेकिन आपसे एक सवाल है मेरा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुए, हमने 50 करोड़ के भ्रष्टाचार सुने थे, हमने 100 करोड़ के भ्रष्टाचार सुने थे, लेकिन 1000 करोड़ और 1,00,000 करोड़ ये तो सुनने में हमें तब मिला जब कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में काबिज थी। भ्रष्टाचार के माध्यम से जो भ्रष्टाचार हो गया उसको किसको बख्शा भी नहीं गया, उसको जेल में भी भेजा है, ये कांग्रेस की नीति है, राजनीति है, जिसने किया है उसको अंदर डालने का हिम्मत कांग्रेस में इसमें नहीं। मैं आपके माध्यम से, मेरे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष के संजय निरुपम के माध्यम से ये मांग कर रहा हूँ, क्या आज खुद मोदी का इनकम 3 साल में 45% या 42% क्या हिसाब से बढ़ा है? लोगों का पैसा बढ़ा नहीं, उसका इनकम बढ़ा नहीं, और जो उनके अध्यक्ष है अमित शाह उसका 300% इनकम बढ़ा है, इसकी मैं मांग कर रहा हूँ, मांग ये कर रहा हूँ, इनके पास में पैसा आया तो किस हिसाब से आया और कैसा पैसा आया ही जरा मुझे बताओ। लेकिन अमित शाह साहब तो कहते हैं कि 3 साल की सरकार बड़े अच्छे से चली है और अब तक कांग्रेस पार्टी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाई। एकनाथ खड़से फिर निकल क्यों गए हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, ये मैंने बोला पंकजा मुंडे के ऊपर आरोप क्यों हो रहा है, ऐसा एक एक आरोप हो रहा है ना। विनोद खड़से की इन्होंने बात करी है तो हम अपने तमाम दर्शकों को बताएं कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मुंबई के खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में आम आदमी पार्टी की जो नेता है अंजलि दमानिया, उन्होंने एक FIR दर्ज करवाया है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मामला एकनाथ खड़से साहब के खिलाफ वहां दर्ज हुआ है। अब तक इसमें उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है लेकिन FIR की कॉपी N24 न्यूज के पास सुरक्षित है। आप जो कह रहे थे एकनाथ खड़से साहब के बारे में, कुछ और नाम गिना दीजिए। विनोद जी है तावड़े, वो भी उसी कतार में है, पंकजा मुंडे जी उस कतार में है, प्रकाश मेहता साहब का भी उस लाइन में, लोग उनके ही पार्टी के लोग बोल रहे हैं, हमने बोल रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई, इनको बचाइए। बाद में शिवसेना के जो देसाई साहब आए उनके खिलाफ ये चालू आए, औद्योगिक क्षेत्र के जमीन घोटाला के बारे में, ये आस्ते आस्ते निकलेंगे, अभी कौन निकलता है? जनता पार्टी के साथ शिवसेना को भी आपने घेर लिया? घेर लिया ना,
क्योंकि शिवसेना का भी ऐसा कहना है जो कांग्रेस वाले पेट्रोल जन पदार्थ के खिलाफ अगर बात कर रहे तो वो सही बात कर रहे हैं, ऐसे शिवसेना की कहना है तो कांग्रेस वाले अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा शिवसेना कहना है। आरोप कई है, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप और फिर एक आरोप, यानी चारों तरफ से आरोप से सराबोर कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी सूरत में बच नहीं सकती। क्या साल 2019 की ये तैयारी तो नहीं है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी तो हमेशा तैयारी में ही रहते हैं, वो कहाँ है, कोई रहे नहीं रहे, सत्ता आवे सत्ता नहीं, हम सत्य के लिए नहीं सब किए। अब इस माध्यम से आपको एक दूसरी बात कह रहा हूँ, इस माध्यम का मोर्चा नहीं था, एमईसीबी में आप जाइए सब, एमईसीबी उसमें बिल देखो, बिल का 30 दिन का मान लो 5 रुपये आता है और इनका 3 दिन अगर बिल लेट हो गया तो लास्ट एंड में जो उनका परसेंट है 10 यूनिट के ऊपर इतना पैसा, 50 यूनिट के ऊपर इतना पैसा, 100 यूनिट के ऊपर इतना परसेंट है, तो 3 दिन लेट हो गया तो इमीडिएट अगर मीडियम आदमी मीटर लाइट लगाता है तो उसको इमीडिएट 3 दिन के अंदर 400-500 रुपया वो काटते हैं। कंप्लीट नहीं करे तो ये पैसा ऐसा ही एमईसीबी के पास जाते। और रिलायंस एनर्जी उसी कतार में है, तो उसने अपना पौधे करके पोता करके लिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने पोता समझता है, दत्तक करके गोद में बैठा के लिए, तो उसमें भी उस लाइन में है। सब बताइए, कुछ अरसे पहले शिवसेना पार्टी ने बड़े पैमाने पर रिलायंस एनर्जी के खिलाफ आंदोलन किया था, नतीजा निकला ढाक के 3 पार। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष संजय निरुपम कई दिनों तक मुंबई के मलाड, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वहां पर वो बैठे। क्या निकला? कुछ नहीं, नतीजा। तो ये तमाम आरोप लगाने तो साहब बहुत आसान है, लेकिन जनता को कब राहत मिलेगी? जनता को राहत कब मिलेगी? आरोप का निष्कारण जब तक होता नहीं, निष्कारण होने को जब जाएंगे तब उसको लोगों को राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर मुंबई के कांदीवली में निकला था बड़े पैमाने पर संजय निरुपम का मोर्चा और अब भांडुप इलाके में हम हैं, जहां LBS रोड पर सोनापुर जो इलाका है, वार्ड क्रमांक 110, जहां की कांग्रेस नगर सेविका और उनके नेतृत्व में हजारों उनके कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी और किसी सूरत में पीछे नहीं हटने का इनका जो रवैया है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इनके द्वारा निकाले जा रहे मोर्चे से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होता है, साथ ही साथ क्या मुंबई सहित पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को राहत मिल पाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसके जवाब के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपसे बताते चले, यदि आपके इलाके में भी है बुनियादी समस्याओं का अंबार, यदि आपको भी नहीं मिल रहा है न्याय, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपका एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए पूर्व की दिशा साबित होगी। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।